भाई सागर में नहाते नहाते डूबने लगा। बड़े भाई ने जाकर उसकी रक्षा की। बाहर आकर के उसने पत्थर पर लिखा कि आज बड़े भैया ने मेरे प्राणों की रक्षा की। बड़े भाई ने पूछा, कुछ दिन पहले मैंने थप्पड़ मारा था, तुमने रेत पे लिखा, आज मैंने तुम्हें बचाया, तुमने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? उसने कहा, भैया जो चीज़ थोड़ी सी दिल को बुरी लगे हमें रेत पे लिखना चाहिए, ताकि सागर की लहरें आएं, उसे धोकर चली जाएं, वो विस्मृत हो जाए, ताकि वो चीज़ हमें बार बार दुखी ना करती रहे। लेकिन अच्छी बातों को हमें पत्थर पर लिख देना चाहिए, ताकि वो चीज़ जब जब याद आए हम खुश हों, आनंदित हों, प्रेरित हों। बहुत सुंदर फलसफा जीवन का, खुश रहने का। जो बुरी बातें हैं, बुरी घटनाएं हैं, बुरी यादें हैं, उन्हें भूलते चलें, अच्छी बातों को, अच्छी स्मृतियों को हम याद रखें। होता लेकिन क्या ऐसा है? कभी जब ये विपरीत हो जाता है तभी हम दुखी परेशान रहते हैं। हम उन घटनाओं को, उन बातों को कितना याद करते हैं जो सुकून भरे रहे हैं, खुशियों से भरे रहे हैं, याद उन्हें करते हैं जो हमें गमगीन करने वाले हैं। और यही कारण है कि एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, और पास्ट में रहकर उन्हीं बातों को याद करते करते अपने मन को, अपने तन को बीमार करता रहता है, निराश होता रहता है, दुखी होता रहता है। एक सिंपल सा पेन मेरे हाथ में है, यदि मैं इसे उठाऊं कितना हल्का है, लेकिन उठा के ही रखा रहूं तो मेरे हाथ में कितनी तकलीफ होगी, हाथ फ्रीज हो जाएगा। आप जानते हैं तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। हम इस बात को बहुत गहराई से समझें और आनंदित हों कि जीवन में जो घटनाएं अच्छी रही हैं उन्हें लेकर के हम आगे से आगे बढ़ते चलें। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आज का सत्र विशेष इसीलिए रखा गया है हैप्पी यूथ के नाम से, ताकि हम अपने जीवन को खुशी से श्रृंगार सकें। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गम चाहता है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो तकलीफ चाहता है। हम हर एक जीवन को खुशी से, आनंद से जीना चाहते हैं, औरों को भी आनंद प्रदान करना चाहते हैं। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं और खुशी की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत कर रहे हैं एक सुंदर गीत से डॉक्टर दामिनी जी, पश्चात एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हम सब देखेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि आज का यूथ खुशी के बारे में क्या सोचता है, और पश्चात एक बहुत सुंदर पैनल डिस्कशन जिसमें हम खुशी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पैनलिस्ट होंगे जो बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका उषा दीदी जी जो मैनेजमेंट ट्रेनर है, साथ ही ब्रह्मा कुमार जितेंद्र जी जो कि बाल्यकाल से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, यूथ विंग के कमिटी मेंबर हैं, सक्रिय सदस्य हैं, यूथ विंग की सभी एक्टिविटीज़ में आपकी बहुत सुंदर भागीदारी रहती है। और साथ ही हमारी तीसरी पैनलिस्ट होंगी आरजे मोना जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन में आरजे की सुंदर भूमिका अदा करती हैं। आइए सभी का अभिनंदन करते हैं। हिम्मत की आभा तोड़, चल युवा लगा ली दौड़, दे सारी बंधन को तोड़, चल युवा तू लगा ली दौड़। हिम्मत की आभा तोड़, चल युवा लगा ली दौड़, दे सारी तू लगा ली दौड़, हिम्मत की आभा को हर ताकत है तेरे पास में, जरा उड़ कर देख आकाश में, हो हर ताकत है तेरे पास में।
Happiness for me is to accept everyone as they are, to bring them under the shelter of God's power and love, and to help them in their journey of life. Happiness for me is giving the light of wisdom, love, peace, help and care without any expectations. Just like the sun gives light to the entire planet without any expectation. Happiness for me is being light. Happiness for me is waking up every morning and thanking God for everything He has showered upon me. Happiness for me is giving my best and surrendering the results to the divine God. Happiness for me is to live like a newborn baby who does not know anything about the past or future. He just enjoys the present moment. Happiness for me is to bring a smile on every face with God's rays. Happiness for me is to be able to learn from my failures and to move on. Happiness to me is the feeling that I make a difference. Happiness for me is really knowing that someone is there to help me, support me, guide me, and bless me. And that is God. ओम शांति, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज के युवा प्रभाग के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हैप्पी यूथ आज का ये विशेष टॉपिक है, और इस हैप्पी यूथ के टॉपिक को जब हम सोचते भी हैं या दिमाग या जहन में आता है तो तीन शब्द जरूर हमारे माइंड में आ जाते हैं। एक है उमंग, उत्साह, जोश। लेकिन ये तीनों शब्द इसके पर्यायवाची ही बने रह रहे हैं या इसमें परिवर्तन हो रहा है परिस्थिति, वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए। हमारे बीच मोटिवेशनल दो स्पीकर्स हैं, और इन दोनों स्पीकर्स को यदि इंट्रोड्यूस मैं करना चाहूंगी तो इनके बारे में, इनकी यात्राएं तो जरूर शामिल हैं, लेकिन युवा प्रभाग में इन्होंने अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं और आज भी ये कराते रह रहे हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आदरणीय उषा बहन जी को। आदरणीय उषा बहन जी,
जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल की, ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही साथ यदि एंगर को मैनेज करना हो, सेल्फ को मैनेज करना हो, स्लीप मैनेज करना हो, या आपको बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानना हो, तो आप इन्हीं से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस युवा प्रभा के इस कार्यक्रम में। दीदी, सबसे पहले सवाल तो आप ही से पूछूंगी, लेकिन हमारे दूसरे स्पीकर को भी इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहूंगी। हमारे दूसरे स्पीकर जो हैं ब्रह्मा कुमार जितेंद्र भाई, वैसे तो हम सभी युवा वर्ग इन्हें जीतू भाई के नाम से ही जानते हैं। जीतू भाई भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल में युवा प्रभाग को बहुत सारे कार्यक्रम में रिप्रेजेंट किया है और ये एक सर्टिफाइड काउंसलर भी हैं। आपने MSc काउंसलिंग कोर्स भी किया है और WHO के द्वारा जो काउंसलिंग एंड मोटिवेशन करके जो कोविड इस महामारी के दौरान जो अवार्ड मिला है वो इन्हीं की वजह से भी मिला है। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दीदी, आज का जो पहला विषय युवा प्रभा के और युवाओं के दिमाग में आता है, और आज का क्योंकि विशेष टॉपिक है हैप्पी यूथ, इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? बहुत अच्छा विषय है हैप्पी यूथ। वैसे देखा जाए तो यूथ हमेशा हैप्पी ही रहते हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी है जब व्यक्ति खूब उमंग उत्साह में होता है, अनेक प्रकार की रचनात्मकता उनके अंदर होती है, अनेक प्रकार के आइडियाज उनके अंदर होते हैं, सपने होते हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है। तो इसीलिए यूथ हमेशा हैप्पी ही रहता है। लेकिन फिर भी जब डेफिनेशन की बात आपने किया, बिल्कुल, तो डेफिनेशन में मैं यही कहूंगी कि यूथ अर्थात के जिसमें फाइव सीज हो जी। क्योंकि कोई भी सपने पूरे करने हैं तो रोड मैप बहुत क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। वो फाइव सीज कौन से हैं? तो सबसे पहले जो है मैं कहूंगी कूल एंड काम स्टेट ऑफ माइंड जी। कूल एंड काम, दिमाग अगर ठंडा होगा तो लंबी यात्रा का घोड़ा बन सकता है जी। अगर दिमाग छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करता है तो इतनी मेंटल एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार बन जाता है जी। जी, तो इसीलिए कूल एंड काम स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा, वेरी क्लियर फोकस, जिस रास्ते पर उसको जाना है उसके बारे में एक स्पष्टता, बुद्धि की स्पष्टता जरूर हो ताकि वो मार्ग भटक ना जाए जी। क्योंकि ये एज भी ऐसी होती है, स्लिपरी एज जिसको कहा जाए, बिल्कुल, तो मार्ग भटक जाने का भी एक चांसेस रहता है। तो वेरी क्लियर फोकस कि उसको कहाँ जाना है, उसकी मंजिल क्या है और उस मंजिल पर जाने के लिए क्या क्या माइलस्टोन्स है, तो उसके बारे में उसका एक क्लियर फोकस होना चाहिए। तीसरी बात मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस। जीवन के अंदर आगे बढ़ने के साथ साथ एक एक कदम जब बढ़ाते हैं तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, दृढ़ रहना जरूरी है। आत्मविश्वास अगर नहीं है, आत्मविश्वास के बगैर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। चौथा जी, मैं ये कहूंगी चीयरफुल हमेशा खुश रहे। जितना खुश रहेगा उतना एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, एरोमा उसका रहेगा, ऑरा उसका वैसा रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में अपसेट होने वाला ना हो, बातें तो आएगी, चैलेंजेस आएगी, लेकिन जो हंसते हंसते उसको पार करे जी, चीयरफुल मूड उसका। जो कई बार कई कहते हैं आज हमारा मूड नहीं, फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, तो मूड फ्लक्चुएटिंग होने के बजाय चीयरफुल मूड हो हमेशा जी, है ना। और पांचवा है क्रिएटिविटी, क्योंकि तभी रचनात्मकता बनी रहती है। रोज कुछ ना कुछ उनके अंदर आना ही चाहिए। हाँ, तो जब चीयरफुल मूड होगा तो नेचुरल है कि उसके साथ उसके आइडियाज
बहुत सुंदर होंगे जी। प्रतिदिन उसको अगर छोटी छोटी बातों में मूड फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कैसा कभी कैसा कभी, तो नेचुरल है कि उसका स्ट्रेस उसके ऊपर बढ़ जाता है और वो स्ट्रेस के कारण जो है उसको शायद जो आइडियाज आने चाहिए वो नहीं आते हैं। और अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप होता है ना जी। तो ये 5 C's बहुत जरूरी है जिसको हम कहते हैं करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट। वाह, करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट, कि जीवन के अंदर करिश्मेटिक पर्सनालिटी उसकी बन जाएगी, अट्रैक्टिव रहेंगे तो करिश्मेटिक जो है उसका व्यक्तित्व सबको अट्रैक्ट करेगा। जब आपने मूड स्विंग के बारे में बात किया, आपने कहा कि क्रिएटिविटी कहीं मूड ज्यादा ऊपर अप एंड डाउन हो जाता है तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लॉस होता है। लेकिन आज के दिन पर जितेंद्र भाई, सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा यूथ को घेर लिया है। ऑनलाइन क्लासेस तो आज उनकी एक दिनचर्या का ये दायरा बन चुका है, दिनचर्या बन चुकी है। लेकिन इसके बाद भी देखा यही जा रहा है कि हर युवा वर्ग पूर्ण रूप से सोशल मीडिया के साथ इंटैक्ट है। आइदर वो ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, अपने पोस्ट वो बार बार देख रहा है, लेकिन उनकी जो ये मूड स्विंग है या हैप्पीनेस, जो एक्चुअल हैप्पी यूथ, क्या मीडिया इनको ये सोशल मीडिया उनको पूरे टाइम हैप्पी मूड में रहने का मौका दे रही है या कहीं अप्स एंड डाउन्स उनको लेकर आती? क्योंकि जहां दीदी ने ये 5 C's को कैरेक्टराइज किया है कि एक हैप्पी यूथ के लिए 5 C's की जरूरत है, वहीं पर सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उन्हें कई बार अप तक लेकर जाती है, कई बार डाउन में लेकर आती है। दीदी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन आजकल के जो यूथ, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पर और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, वो वहां उनकी खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन खास करके युवाओं को प्लेजर और हैप्पीनेस, इसका डिफरेंस अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद में हर चीज से खुशी मिल सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी अल्पकाल के प्लेजर के लिए वो डिपेंड हो जाते हैं चीजों पर, इंस्टाग्राम में, क्योंकि जैसे कि कोई अच्छी सी कोट आए तो वो उनको बहुत खुश लेकर आता है, खुशनुमा बना देता है कि वाओ मेरे बारे में बहुत अप्रिशिएट किया है। लेकिन यदि कहीं पर कुछ हुआ, किसी ने एक बार डिसलाइक दे दिया, तो फिर डिप्रेशन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जी जी जी। और वैसे देखा जाए तो आजकल जो हैप्पीनेस की, खुशी की जो धारणाएं बनाई रखी है तो एक अजम्पशन के रूप में अपने मन में बना के रखी है कि कोई मुझे पसंद करेगा तो मैं खुश होऊंगा, कोई मुझे प्यार करेगा तो मैं खुश होऊंगा, स्थान अगर चेंज हो जाएगा तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, ऐसे ऐसे अपने आप सबने बना के रखा है। लेकिन अगर कोशिश करें कि स्थान बदलने की जगह पर अपना एटीट्यूड चेंज कर देंगे जी, प्यार चाहने की जगह पर हम अगर प्यार बांटना शुरू कर देंगे तो अपने आप ही हम खुश रह जाएंगे जी। बिल्कुल, एक सिंपल फंडा है खुशी का जी, जैसे आपने सोशल नेटवर्किंग की बात किया, सोशल फील्ड की बात किया, तो ऐसी चीज जो मुझे दूसरे से छुपाना पड़े वो हमें हमेशा दुख दे देगी, भले उस समय हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे इतने फ्रेंड्स है, फलाना, मैं इससे चैटिंग करता हूँ, उससे चैटिंग करता हूँ, बिल्कुल, लेकिन वो दुखदायी होगा क्योंकि हम छुपाना पड़ रहा है। अपने जीवन में जो चीज हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि खुशी है हम बांटने की चीज है, जो हम इजीली सबके साथ बांट कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही खुशी है, वही खुशी है। लेकिन जहां युवा की बात आ रही है, दीदी ने 5 C's के बारे में कही, आपने सोशल मीडिया और ये भी बात कहा कि हैप्पीनेस का डेफिनेशन युवा भूल रहा है, हैप्पीनेस को वो किसी मटेरियल के साथ, किसी रिलेशनशिप के साथ ही या किसी स्थान के साथ खोजना चाह रहा है। लेकिन युवाओं को अब बूस्ट की रियल जरूरत है दीदी, तो एक्चुअल हाउ टू बूस्ट यूथ फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि यदि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे यूथ तो परिवार वाले जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे निराश होने लगेंगे कि भाई उनसे एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई तुम ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो, तुमको बेस्ट परफॉर्म देना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे में यूथ क्या करे, कैसे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे? ऐसा है कि उसके लिए जो फोकस वो अपनाता है, जिसको कहा जाता है एक दो फोकस है जी।
एक है रिएक्टिव फोकस, एक है प्रोएक्टिव फोकस. जब कोई भी यूथ, बहुत स्वाभाविक है कि जब मूड स्विंग होता है उसका, किसी ने लाइक्स नहीं दिया उसके, तो माइंड अपसेट है upset उसका, और उस समय उसको पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक्सपेक्टेशंस उनके सामने हैं, तो नेचुरल है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, तो एक रिएक्टिव फोकस अपना लेता है. तो लाइफ में जब रिएक्टिव फोकस आता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि जहां पर भी रिएक्शन है, मानो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, और वो रिएक्टिव फोकस होने के कारण उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस वो कम हो जाती है. लेकिन वही अगर वो प्रोएक्टिव फोकस अपनाता है, तो प्रोएक्टिव फोकस अपनाने से क्या होगा कि उसके जीवन के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी. किसी ने कहा बहुत अच्छी बात है, उसको स्वीकार करना जी, तब उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इतनी बढ़ जाएगी जी, कि जिसके आधार से जीवन के अंदर उसको जैसे आगे बढ़ना सहज हो जाएगा, उसकी जो एफिशिएंसी है बूस्टेड रहेगी. नहीं तो बहुत जल्दी, जिसको कहा जाता है एक गैस का गुब्बारा है, गुब्बारा बहुत जल्दी फुस हो जाता है. बिल्कुल. तो इसलिए रिएक्टिविटी जो है ये बहुत जल्दी फुस कर देता है व्यक्ति को, लेकिन प्रोएक्टिविटी उसको पुस्ट करता है ऊपर जाने के लिए. मतलब आपका कहना है कि यदि ऐसे मौके पर कहीं उसको लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी मिले, ये उसके लिए क्रिटिसिज्म है, तो भी उसको वो समझना जरूरी है. पर यही युवा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है, एप्रिसिएशन फ्रेज. कहते हैं युवाओं को अप्रिशिएट करो, उन्हें शाबाशी देते रहो, वो आगे बढ़ते जाएंगे. लेकिन जब फेलियर और क्रिटिसिज्म हो, क्या युवा उसको एक्सेप्ट ना करे? यदि नहीं करता है तो भी क्या वो वैसा ही उतनी ही तेज रफ्तार के साथ बढ़ता जाएगा? क्योंकि अब तक तो उसके पास शायद पेरेंट्स हैं, उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसको संभाल सकते हैं, सिर्फ एप्रिसिएशन और प्रेज से आगे बढ़ा सकते हैं, पर क्या क्रिटिसिज्म और फेलियर के दौरान भी उसका वैसा ही मोटिवेशन रहेगा? जितेंद्र एक्चुअली वही फेल्यूअर होता है, क्रिटिसिज्म होता है, तो उस समय डिप्रेस हो जाता है. लेकिन अगर सोचे हम तो वही चीज़ उसको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस दिलाती है. अगर क्रिटिसिज्म नहीं हो, अगर कोई आपको टोकने वाला ना हो, आपकी करेक्शन करने वाला ना हो, तो शायद जैसे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा खुश व्यक्ति होता है ना, तो उसके हाथ से मिस्टेक्स भी बहुत होती है, बहुत मिस्टेक्स होते हैं. तो जब तक वो क्रिटिसिज्म ना हो ना, तब तक वो मिस्टेक्स सुधारने का उसको चांस नहीं मिलता है, अवसर नहीं. जैसे आप सबने देखा है जी कि सचिन तेंदुलकर जी, जी बिल्कुल, महान बैट्समैन है, महान क्रिकेटर है, तो उन्होंने अपने जो रिटायरमेंट के दिन मैच में एक इंसिडेंट बताया था जी, कि मैं इतने साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो कोच है रमाकांत आचरेकर जी, जी तो उन्होंने आज तक भी मुझे वेल डन नहीं कहा. जब भी मैं भले 200 बना के आऊं तो भी बोलेंगे तुम आउट कैसे हुआ. अच्छा, ओके. तो शायद मतलब उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनके कोच ही उनको क्रिटिसाइज सर करते थे, बाकी भले ही दुनिया से उनको एप्रिसिएशन मिलता रहा, लेकिन वो क्रिटिसिज्म उनको हमेशा आगे बढ़ाता रहा. सो हमारे यूथ को ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है. एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि एक मूर्तिकार था जी, बिल्कुल, छोटी सी एक कहानी है, बिल्कुल हमारे सारे यूथ सुनना ही चाहेंगे. तो एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाने वाला था, उसका बेटा देख देख करके वो भी सीख गया मूर्ति बनाना. ओके. और इतनी सुंदर मूर्ति बनाने लगा कि कोई भी आता था उसको अप्रिशिएट करता था, किसने ये मूर्ति बनाई. ओके. तो क्या हुआ कि उसका फादर हमेशा भाई थोड़ी नाक टेढ़ी है, थोड़ा आंख ऐसे बनाना चाहिए. तो एक दिन वो बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया. ओके. कि सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, सारी दुनिया इतनी महिमा कर रही है, एक आप है जो मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो, हमेशा कहीं ना कहीं नुक्स निकालते ही रहते हैं जी. मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना है, इसे तो अच्छा है मैं अपना बिजनेस खुद खोल लूं. उसने अपना बिजनेस सेपरेट कर लिया जी, अलग हो गया बाप से. ओके. और करने लगा, सभी बहुत अप्रिशिएशन मिलता रहा, अब कोई टोकने वाला नहीं रहा.
तो धीरे धीरे जो उसके नुक्स थे वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि उसकी मूर्तियां जो है कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या रीजन रहा। एक समय था कि सब इतना अप्रिशिएट करते थे और आज क्या हो गया जी। तो वो रोता हुआ अपने फादर के पास आता है कि कोई मेरी मूर्ति को लाइक नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ जी। तो उसके फादर ने कहा कि तुमको बुरा लगता था, मैं नुक्स निकालता था तब, लेकिन मैं इसलिए कहता था कि तुम उस पर ध्यान देकर उसमें परफेक्शन ले आओ। तुम जब अलग हो गया, कोई नुक्स बताने वाला नहीं था, तो तुम्हारी वो गलतियां जो है धीरे 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 बढ़ती गई, और जब बढ़ती गई तो नेचुरल है कि जो परफॉर्मेंस होना चाहिए तेरा वो इतना एफिशिएंट नहीं रहा है। जो क्रिएटिविटी हाँ, है कहीं पर भी हाँ, क्योंकि अभिमान आ गया तुझे, अहंकार में आ गया तुम, तो अहंकार व्यक्ति को हमेशा नीचे ही लाता नीचे है। तो इसीलिए जीवन के अंदर यूथ के लिए भी अहंकार में आ जाना, जितना ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा तो नेचुरल है कि अहंकार में आ जाना स्वाभाविक है कि आई एम द बेस्ट है ना, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो उसके फादर ने कहा कि जैसे ही तुम्हें ये अभिमान आया, तुम अलग हो गया, बताना बंद कर दिया तुम्हें, तो धीरे 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 तेरी मूर्तियों में कमी आने बढ़ती गई और उस कारण से तेरी एफिशिएंसी कम होती गई। तो जब भी कोई हमें टोकता है गाइड करने के लिए, कुछ ना कुछ हमारी मिस्टेक्स के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाता है या क्रिटिसाइज करता है, तो ये समझना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए। हमारे पिताश्री जी हमेशा निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, है ना, क्योंकि वही आपको बता रहा है। अगर आपके अंदर नुक्स है उसको ठीक कर लो, नहीं है डोंट माइंड है ना। बिल्कुल यही पर बात यही चीज की है कि जहां क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म की वजह से क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं सुधार आती रही है। और एक बात आप कह रहे थे कि वो जो हैप्पीनेस एक पर्सनालिटी के बारे में बताना चाह रहे थे, वो जरूर हमारे यूथ को बताइएगा, क्योंकि जैसे दीदी ने कहा अभी तो उसी हिसाब से याद आया कि एक फ्रांस में रिसर्च हुआ था, तो उसमें एक पर्सन था मैथ्यू रिकार्ड करके, उनको हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ ऐसे करके उनके रिसर्च से डायग्नोस हुआ जी। उनको कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, तो उस समय उनको पूछा गया कि आप इतना हैप्पी कैसे रह सकते, 69 ईयर के है, आपके पूरे जीवन में इतने हैप्पी कैसे है। तो उन्होंने तीन चीजें कही जी, बोले तीन चीजें मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूँ, अगर ये फॉलो करते शायद सब हैप्पी होंगे। ओके, पहली चीज स्टॉप मी मी मी, हर समय मैं करता हूँ, मैं मेरा अच्छा है मेरा वैसे, जैसे कहा ना क्रिटिसिज्म की बात, तो कोई मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये जब हम स्टॉप कर देंगे तो अपने आप खुश रह सकते, मतलब ईगो कहीं ना कहीं साइड में रखा जाए तो आप खुश रह सकते हैं। सेकंड चीज, जैसे मैराथन के लिए हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, वैसे ही अपने माइंड को मैराथन के रूप में ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए हर चीज के लिए। कैसे? कोई भी हम रिएक्ट करते हैं उसके पहले मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, उसे और कम मुझे होना ही है, तो वो चीज मुझे हर्ट नहीं करेगी, वो प्रिपरेशन चाहिए, मेंटल प्रिपरेशन कंप्लीट। और थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि कंसेक्यूटिव मिनिमम 15 मिनट्स इन 24 आवर्स अपने आप को देवे और उसमें हैप्पी थॉट्स अपने आप को देवे। 15 minutes happy thoughts. Yes, yes. I think हमारे youth के लिए काफी आसान है 15 minutes. और राजयोगा meditation जो हमारी राजयोगिनी उषा दीदी हैं, क्योंकि खुद राजयोगी शिक्षिका हैं, सो वो हैप्पी मेडिटेशन अपने जीवन में तो अपनाती हैं। और जब भी किसी यूथ और किसी बड़े बुजुर्गों के बीच में या बच्चों के बीच में भी रहती हैं, तो वो भी उन्हें प्यार से वो जरूर सिखाती हैं। और जहाँ तक एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि पर्सनल स्ट्रेंथ जो आपने सीज के साथ कहा, अब हमारे को पर्सनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ इस कोविड पीरियड, सिर्फ यही नहीं मीडिया पीरियड, जब सोशल मीडिया एवरीवेयर, ऐसे में हमें हैप्पी रहने के लिए हमारे पर्सनल स्ट्रेंथ को हम और कैसे बढ़ाएं। दीदी, पर्सनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मैं यही कहूँगी कि वैसे ये कोविड के टाइम में आवश्यकता है
कि जिस तरह से आज दुनिया में लोग फिजिकल इम्यूनिटी के बारे में कहते हैं कि फिजिकल इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए और यूथ में तो होती ही है, लेकिन यही एज है कि जब व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी इतनी ही अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो जाएगी उसके अंदर जी, तो मनोबल कमजोर होने लगेगा, मनोबल टूटने लगेगा, और जब मनोबल टूटता है तो बहुत कुछ टूट जाता है जीवन से। तो इसीलिए स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, जो उसको हमेशा एक इनर स्ट्रेंथ प्रदान करता रहेगा। और ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सोर्स है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सोर्स है स्पिरिचुअल, क्योंकि यूथ के अंदर मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। मैच्योर नहीं होंगे तो यही कहा जाता है बचपना है, और बचपने में कई गलतियां भी करता है तो कई लोग उसको टालते हैं, तो वहां पर उसको हर्ट फील जरूर होता है। इसलिए जितने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उसके अंदर आती है, उसके लिए मैं यही कहूंगी, जैसे कहा कि भाई माइकल रिकार्डो ने कहा कि भाई 15 मिनट्स अपने आप को देना जहां हम अच्छे विचार अपने आप को दे सके, तो इसी तरह अच्छे विचारों के साथ साथ स्पिरिचुअल विजडम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल विजडम है उसकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को बढ़ाएगा और वही उसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगा, अंदर से मजबूत रखेगा उसको। इसी नोट पर मैं सभी यूथ के लिए दीदी, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल विजडम के बारे में बात की, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट के बारे में बात किया, सो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बात किया, तो ज़रूर हमारे यूथ आपसे 15 मिनट्स तो नहीं, आई थिंक ज़रूर 3 to 5 minutes आपसे ज़रूर सीखना चाहेंगे। मेडिटेशन की बात जहाँ आती है तो हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से पॉजिटिव थॉट्स अपने आप को देते हैं, बहुत सुंदर, ये तो जरूर है, लेकिन आजकल हाँ व्हाट्सएप पर एक दूसरे को फॉरवर्ड जरूर करते हैं पॉजिटिव थॉट्स। जब भी कोई हमारे ऊपर पॉजिटिव थॉट आता है देखते हैं, लोग यही सोचते हैं ये चीज़ है ना फलाने के लिए बहुत अच्छी है, ये चीज़ फलाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जिस दिन हमने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, वाह, जब हम खुद के लिए उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तब हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से करें, तो वो क्रिएटिव आइडियाज अपने बढ़ने लगेंगे जी। प्रतिदिन अगर कुछ किया, जिस तरह के रिजल्ट्स हमने एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं मिले, तो उसी में से हमें सीखने को मिलेगा जी। तो मेडिटेशन खाली बैठ करके एक जगह करना ये नहीं है, मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, मैं यही कहूंगी। और इसीलिए जब भी आपको समय मिले खुद को अच्छे विचार देना इतना काफी नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज एक स्टूडेंट है, केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, उसको टीचर क्लास में सिखाता है कि भाई एक केमिस्ट्री का ये बताया दिया फॉर्मूला कि भाई H2O इज इक्वल टू वाटर जी, लेकिन वो याद नहीं रहेगा, लेकिन जब उसको लैब में ले जाता है और लैब में उसको प्रयोग करके दिखाता है कि भाई टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे वाटर देता है, देखने के बाद उसको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, है ना जी, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। लाइफ इज ऑल्सो अ लेबोरेटरी, जीवन भी एक प्रयोगशाला है, और यूथ के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अपने जीवन की प्रयोगशाला में जितना आप प्रयोग करते जाएंगे, क्योंकि योग का दूसरा नाम है प्रयोग, जब प्रयोग करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, या अच्छे विचारों का भी एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे, आपको इतना सुंदर रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट्स के आधार पर आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ती जाएगी, राइट जी। और एंड करने से पहले दीदी और जीतू भाई से ज़रूर हम आखिरी नोट जानना चाहेंगे, हमारा युवा वर्ग ज़रूर जानना चाहेंगे। दीदी आपने तो इसी विजडम के साथ एंड किया कि भाई किस प्रकार हमारे को स्पिरिचुअलिटी
बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रयोगशाला के रूप में अपने लाइफ को लेकर जाना है। और जीतू भाई, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा के लिए? जैसे अब हैप्पीनेस की बात हो रही है, हैप्पी यूथ की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हम देखें कि जैसे हम कभी सेल्फी लेते हैं जी, या कैमरा हमारे ऊपर होता है तो हम स्माइल जरूर करते हैं और सबको अच्छा भी लगता है जी। लेकिन वही स्माइल अगर हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाए हमेशा के लिए, हमेशा तो हमारा जीवन हमेशा खुश रह सकता है। तो स्माइल का एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो हर कोई हर समय अपने जीवन में अपना सकता है और स्माइल रह सकता है। एस मीन्स सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी क्योंकि आजकल हम लाइफ को काफी सीरियस बना लेते हैं, तो सीरियस बनाने की जगह पर लाइफ को अगर सिंसियरली लेवे जी, तो हम हमेशा खुश रह सकेंगे। सेकंड ठीक है एम मतलब माइंडफुलनेस, ओके, जो भी कार्य करे हम दिल से करें तो उसमें खुशी मिलती है। जबरदस्ती अगर करना ही है कार्य, लेकिन अगर जॉब समझ के करते हैं तो उसमें खुशी नहीं मिलती, खुशी हट जाती है। क्योंकि प्राय देखा है कि ऐसी चीज होती है जो हमारी एनर्जी लॉस करती है, हमें दुख देती है, भले उस समय हमको अच्छा लगता है, पार्टीज आदि करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, तो लेकिन उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है तो दुखदायी हो जाती है। सेकंड थिंग जो भी करना है माइंडफुलनेस से करें। थर्ड थिंग आई मीन्स इंट्रोस्पेक्ट, जैसे कहा कि 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए खुद के लिए देवे और खुद इंट्रोस्पेक्ट करे कि आज के दिन में मेरे से कौन सी ऐसी चीज हुई जो दूसरों को खुशी बांट सका मैं। तो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है अपने जीवन के लिए, जैसे फोन को भी हम रिस्टार्ट करना ही पड़ता है। थर्ड चीज एल मीन्स लव, हम अगर प्यार बांटते रहे, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी कमी हमें नहीं दिखती है और उससे हम दुख भी नहीं होते, चाहे वो कुछ भी करे बहुत बड़ी तो बात है, बिल्कुल प्यार बांटते रहे। और थर्ड थिंग इम्पोर्टेंट ई मीन्स इमोशंस, अपने इमोशंस पे अगर हम कंट्रोल कर पाए और जो पॉजिटिव इमोशंस है उसे एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि कई बार होता है किसी के प्रति बहुत अच्छी भावना आती है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते, जब एक्सप्रेस नहीं करते तो खुशी बढ़ती नहीं है। तो हम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, नेगेटिव इमोशंस को कन्वर्ट कर पाए पॉजिटिव में, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे जीवन के लिए होगा। जैसे कहा कि इन चीजों के लिए दीदी ने कहा मेडिटेशन बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है और उसी से हम हमेशा के लिए स्माइल अपने जीवन में ला सकते। So, इसी के साथ मैं सभी का, सभी युवा वर्ग का और हमारे आदरणीय उषा दीदी का और जीतू भाई का भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि युवा जो उमंग और जोश के साथ है उनकी जिंदगी को इतना सुनहरा पथ दिखाने वाले ये दो हमारे साथ हैं, मोटिवेट किया हमें और अब शायद कोई दिक्कत हम और आपको नहीं आएगी, युवाओं को आगे बढ़ने में आसान तरीका मिल ही गया। युवा प्रभाग का ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए था, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खुशी की बहुत सुंदर और गहरी बातें आप सबने अपने अनुभवों से हम सबके साथ साझा किए हैं। हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं मित्रों, लेकिन कई बार जीवन में आने वाली असफलताएं हमें दुखी कर देती हैं। कभी लोग हमें अपमानित करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। कई छोटी बड़ी बातें घटनाएं जीवन में होती रहती हैं, कोई बुरा बोल देता है या फिर हमारी चाहना के अनुसार कार्य नहीं हो पाता है, हम दुखी हो जाते हैं। लोग और परिस्थितियां हमारी खुशी को छीनते रहते हैं, जैसे कि हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है, वो जब चाहें हमें खुश कर देते हैं, जब चाहें हमें दुखी कर देते हैं। लेकिन क्या लोगों और सिचुएशंस के हाथ में हमें अपने मूड को देना चाहिए? चॉइस क्या मेरे पास है कि मैं खुश रहूं या फिर दुखी हो जाऊं किसी भी व्यक्ति की बात या परिस्थिति के कारण? हम सबको इस पर बहुत गहराई से सोचना है। निक आप सब जानते हैं, जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, बचपन से लोग ये उसे कहते रहे कि क्या है तू तो भारी है अपने माँ बाप के लिए, संसार में क्या करेगा, तुझे तो मर जाना चाहिए, आदि आदि इत्यादि, तेरी क्या कोई लाइफ है? उसने भी तो ये सोचा होगा ना कि सचमुच कहीं मैं बोझ तो नहीं हूं समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, क्या करना चाहिए? चॉइस उनके पास दो ही थी, या तो वो मर जाएं या फिर कुछ करके दिखाएं अपनी खुशी के साथ। 19 साल की उम्र में उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया
आज संसार के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। अनेक डीवीडीज, अनेक बुक्स उनकी हैं। चॉइस उनके पास भी था, दो रास्ते थे, एक वो कि खुश रह करके मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊं और दूसरा वो कि मैं भाग लूं, जीवन से हार जाऊं। बातें तो आएंगे लेकिन हम रास्ता सकारात्मक चुने, अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखें तो हमारी खुशी को कोई हमसे छीन नहीं सकेगा। जब ऐसे सुंदर अनुभव लोगों के सुनते हैं तो सचमुच बहुत हम उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं। और ऐसे ही सुंदर अनुभव लेकर के अब हमारे बीच आ रही हैं चेन्नई से शालिनी बहन जी और माउंट आबू से ब्रह्म कुमार कमल जी। लेकिन उनसे पूर्व रशिया के हमारे कुछ भाई बहनें बहुत सुंदर नृत्य लेकर हमारे बीच आ रहे हैं, क्योंकि हमारी खुशी में वो भी अपने नृत्य के माध्यम से शरीक होना चाहते हैं। आइए अभिनंदन करते हैं। सत्य की मशाल हम जलाएंगे, प्रेम के प्रकाश को फैलाएंगे, भेदभाव हो नहीं यहाँ कोई, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। शस्त्र जो उठाता है वो शस्त्र से मिट जाता है, शस्त्र जो उठाता है वो शस्त्र से मिट जाता है, प्यार जो बरसाता है वो प्यार सबका पाता है, प्यार जो बरसाता है वो प्यार सबका पाता है, हिंसा को अहिंसा से मिटाएंगे, धरती को स्वर्ग हम बनाएंगे, कभी कहीं भी अशांति हो नहीं, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। कहने को तो धर्म राष्ट्र भाषाएं अनेक हैं, अनेक हैं, दुनिया के इंसान सभी भाई हैं, एक हैं, कहने को तो धर्म राष्ट्र भाषाएं अनेक हैं, दुनिया के इंसान सभी भाई हैं, एक हैं, विश्व को संदेश ये सुनाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे, सभी जिए निर्भय हो जगत में, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, सत्य की मशाल हम जलाएंगे, प्रेम के प्रकाश को फैलाएंगे, भेदभाव हो नहीं यहाँ कोई, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, सत्य की मशाल हम जलाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, विश्व को संदेश ये सुनाएंगे, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे, विश्व को संदेश ये सुनाएंगे, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। ओम शांति, ग्रीटिंग्स ऑफ पीस।
मैं चिराग जोगी, स्वामी विवेकानंद गुजरात राज्य युवा बोर्ड आनंद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। मेरा काम ही युवाओं के साथ काम करना है और 26 जनवरी के दिन से यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ काम करने का अवसर मिला और तभी से मैं जो ये विश्व कल्याण की कामगिरी जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है उसको बहुत नज़दीक से जानने पहचानने और अनुभव करने का अवसर मिला। तब से मैंने जो जो भी काम इनके साथ किया हुआ है, जो मुझे सीखने के लिए मिला है, वो मैं आप सबके साथ मेरा अनुभव साझा करने के लिए आपके समक्ष अभी उपस्थित हूँ। फेब्रुवरी मंथ के जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था प्रेम, लव। तो हमारे जीवन को सफल और उच्च कक्षा तक ले जाने के लिए सभी इंसान को उनके जीवन के अंदर प्रेम की क्या महत्ता है, उसकी क्या महत्व है, वो समझने का मुझे अवसर मिला। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुझे स्वयं से, ईश्वर से, हमारे परिवार से, प्रकृति के साथ हम एक प्रेम के माध्यम से कैसे जुड़ सकते हैं और हमारे जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, खुश, हमारे लाइफ को हम कैसे खुश रख सकते हैं, हैप्पी लाइफ विद हैप्पीनेस, तो वो मुझे प्रैक्टिस के द्वारा यहाँ पे सीखने को मिला। तो उसके अंदर हम जो काम हम मुझे सीखने को मिला वो है हम स्वयं के साथ कैसे प्रेम, हम स्वयं को कैसे प्रेम करें। इस संस्था के साथ जुड़ने के बाद एक और चीज़ सीखने को मिली कि जीवन में क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों चीज़ बहुत ही महत्व की है। जाने अनजाने में हम ऐसी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा मनुष्य जो 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है जो, तो उसी के बाद हम कोई भी इंसान हो उसे बाद में पछतावा होता है, लेकिन वो उस एक संकुचित मानसिकता के कारण वो माफ़ी नहीं मांगता, वो उसी भार के अंदर हर रोज़ घुटता रहता है और दबा रहता है। लेकिन इस संस्था के साथ जुड़ने के बाद मुझे ये माफ़ी मांगने का जो गुण है मैंने अंदर मेरे अपने अंदर जो वो उसको प्रकट किया है और मुझे इसके कारण अभी मेरे जीवन में जो बहुत ही हल्का फुल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी गलतियां कर चुका हूं जिसकी मैंने माफ़ी मांगी, उसको स्वीकार किया, मेरी गलतियों को मैंने स्वीकार किया और तय किया कि अभी इसके बाद फिर से नहीं दोहराऊंगा। वैसा मेरे जीवन में मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे कि गलत हुआ और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ किया, लेकिन उनको क्षमा करने की भावना मेरे अंदर नहीं थी, तो उसी के कारण भी मैं बहुत चिंतित रहता था। तो वो क्षमा करने का जो गुण है वो भी मैंने देखा और उसको अनुभवा, मैंने उसको रियलाइज़ किया और उसके बाद मेरे जीवन में अभी इतना फ्रीली मैं फील कर रहा हूँ कि ये क्षमा करना और क्षमा मांगना ये दोनों हमारे जीवन के बहुत ही अहम पहलुओं में से एक है। तो इन सभी मेरे जीवन के बदलाव के जो मेरे जीवन में बदलाव आए हैं उसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था, हमारे जो आनंद में बहुत बड़ा सेंटर अभी बना हुआ है और ब्रह्मा कुमारी श्री जागृति बहन का भी मैं यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ कि उनके माध्यम से मेरे जीवन में ये जो सारे बदलाव आए हैं वो मेरे जीवन और मोक्ष हमारे आत्मा से परमात्मा के साथ जो हमारा मिलन के उद्देश्य के साथ हमारा मनुष्य जन्म हमें जो मिला है वो उद्देश्य को जानने और पहचानने का मुझे ये अवसर मिला, उसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ओम शांति, विश्व के अंदर शांति हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, माय नेम इज शांति, आई एम 25 इयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन मुंबई। आई एम हियर टू शेयर माय एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोग्राम यूथ फॉर ग्लोबल पीस
which was conducted by Sabha Kumari in February 2021. So they kept themes like confidence, courage, health is health, love for nature, and my family, a circle of strength. So first of all, I would like to share about confidence and courage. So as we know that at places like workplace or schools or colleges, where we are often asked to present something in front of lots of people, we lack the confidence to share our feelings or to say anything. So I also lack the confidence to present anything in my workplace. So I started reminding myself every day that I do have the courage to face people. And meditation helped me a lot in this process, and now I'm able to speak in front of people very fluently. Now, second, I would like to speak about my family or circle of strength. So when we hear a word family, so only one thing strikes our mind is our own family, mom, dad, brother, sister. But we never think of anyone else other than our own family. So as Baba says that we all come from one father, one, so we all are brothers and sisters. And we should consider every human being as our own family and respect them as if they are our own. So this particular activity has made my relationships better with so many people, and I now see everyone equally important in my life. Now, the third one is love for nature. So, I already admire nature a lot, and this particular activity has given me the channel to present my feelings towards the nature. So, I love sitting in my balcony and meditate over the voice of birds or raindrops or the bees. So, in this activity, I just took few pictures of sunset or mountains or green trees. I often sit alone in the balcony and meditate over the sounds of nature. So this last activity was very refreshing for my soul. And thank you so much, Baba Kumari, for conducting this event. Because people like us, who are youth, who are often lost in our goals, and we are lost souls, I can say, and we do not have mental peace. So we have to keep one thing in mind, that goal comes secondly, but mental peace comes first. So thank you so much, Baba Kumari, for conducting this program. Om Shanti. Om Shanti. जब भी हम यूथ से मिलते हैं, एक प्रश्न जो ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि खुश कैसे रहे। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा भी है, फैमिली भी अच्छी है, दोस्त भी हैं, सब कुछ है, जो चाहते थे उससे भी ज़्यादा मिला है, पर हम खुश नहीं हैं। और खुश होते भी हैं तो थोड़े से समय के लिए, टेम्परेरी होता है। और यूथ विंग के द्वारा जहाँ भी हम प्रोग्राम करने जाते हैं, वहाँ पर भी ज़्यादातर युवा, या मैं कहूँ किसी भी एज ग्रुप के लोग, यही प्रश्न पूछते हैं कि आखिर खुश कैसे रहें। हम रहना चाहते हैं खुश, पर रह नहीं पाते। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि रीज़न क्या है, क्यों आपकी खुशी गायब होती है। तो ज़्यादातर लोगों का उत्तर आता है कि दूसरों के कारण। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे दोस्त मेरी बात नहीं मानते, मैं किसी की हेल्प करता हूँ वो मेरी हेल्प नहीं करते, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हैं, इस प्रकार के उत्तर आते हैं। तो इस पर बहुत रिसर्च किया, इस पर बहुत सोचा, लोगों को ऑब्जर्व किया, तो एक फॉर्मूला आया, GPS फॉर्मूला, GPS फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस। और इसे बहुत से युवाओं पर एक्सपेरिमेंट किया, उनकी लाइफ विद इन अ मंथ, कईयों की तो एक वीक में ही बिल्कुल चेंज हो गई, उनके चेहरे पर खुशी आ गई। ये फॉर्मूला क्या है? GPS, G फॉर ग्रेटिट्यूड, P फॉर प्रेजेंट, S फॉर सेल्फ। पहले शुरू करते हैं हम ग्रेटिट्यूड। आज ज़्यादातर लोगों की जो नेचर है वो क्या हो गई है? कंप्लेनिंग नेचर। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आज सोशल मीडिया के कारण स्पेशली, इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, कंपैरिजन हो गया है। तो कंप्लेनिंग नेचर की जगह हमें क्या करना है? ग्रेटफुल होना है, पहली। दूसरा है प्रेजेंट। आज सबसे बड़ा डिजीज़ है ओवरथिंकिंग। कभी पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कभी फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स का ये मेल आता है, मैसेज आता है, क्वेश्चन आता है कि हम बैठते हैं पढ़ने
और ध्यान पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता है। कई लोग पूछते हैं, हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, कभी ध्यान पास्ट में, कभी फ्यूचर पे चला जाता है। तो ये आर्ट हमें सीखनी होगी एक्चुअल में। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये आर्ट कि कैसे हम प्रेजेंट में रहे, कैसे हम थोड़े समय के लिए, चाहे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते करते, कि पास्ट और फ्यूचर से फ्री हो सकें। एक्चुअल में फ्रीडम इज हैप्पीनेस। तीसरा है एस, एस फॉर सेल्फ। आज बहुत बड़ा कारण है खुशी गायब होने का दूसरों को देखना। जैसे ही आपका ध्यान दूसरे पर गया कि मुझे ये करना है, सामने वाला आपको मान लीजिए खुश दिख रहा है, आपको लगता है अगर मैं ये करूंगा ना तो खुश हो जाऊंगा। हम शायद जानते नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं और हमारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब यूनिक हैं। उसकी कुछ विशेषता है, मेरी कुछ विशेषता है। तो ये GPS फॉर्मूला, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जी फॉर ग्रेटिट्यूड, पी फॉर प्रेजेंट एंड एस फॉर सेल्फ, ये GPS फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस, तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। कई लोग पूछते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, या हम अपने जीवन में क्यों स्पिरिचुअलिटी को लाएं जीवन में, कैसे खुशी बढ़ेगी। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि ये कोई अलग पाथ है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स जीना कैसे है, खुश कैसे रहना है, सोचना कैसे है। और उससे स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि कंपल्सिव बिहेवियर से हम कॉन्शियस बिहेवियर पर चले जाएं। हम सोचते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंपल्सिव थिंकिंग, चाहते हैं कि ना सोचें, चाहते हैं कि थोड़ा सो जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, चाहते हैं अपने ध्यान को एकाग्र करना, लेकिन कंपल्सिव सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। ऐसे ही कई बार चाहते हैं कि बोलना नहीं है, फिर भी कुछ बोल देते हैं, कुछ करना नहीं, कई बार होता है कुछ करना नहीं है हमें, थोड़ा शांति से बैठकर मेडिटेशन करना है, फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो कंपल्सिव बिहेवियर से कॉन्शियस बिहेवियर, कंपल्सिव लाइफस्टाइल से कॉन्शियस लाइफस्टाइल, इसकी ओर जाना, यही स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी को जब से मैंने अपने जीवन में लाया तो मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए, उनमें से कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की। तो यही आशा है कि आपके जीवन में भी शांति आए, खुशी आए और आपका जीवन पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाए। ओम शांति। सुंदर अनुभवों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अनुभव हमें संबल प्रदान करते हैं, प्रेरित करते हैं, बल देते हैं कि हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करें, तो हमारी खुशी, हमारी स्थिति बहुत सुंदर बनी रहेगी और हम उत्तरोत्तर उन्नति करते चलेंगे। मित्रों, खुशी के लिए हमारा जो नज़रिया है वो सचमुच बहुत बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि आँखों का ऑपरेशन संभव है, लेकिन नज़र का ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। और जो अपनी नज़रों का ऑपरेशन कर लेता है, अर्थात अपने नज़रिए को बदल लेता है, उसके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होती है। चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, वो बहुत महत्व रखता है हमारी खुशी में या फिर हमारे गम में। एक यंग मच्छर था, पहली बार उड़ान भरा। जब उड़ान भर के वापस आया, उसके फादर ने पूछा कि बेटा कैसी रही तेरी फर्स्ट फ्लाइट। बेटा बड़ा उत्साहित था, उसने कहा, पिताजी मजा आ गया आज तो, मैं जहां भी गया लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। वो जहां भी जाता था लोग उसे तड़ तड़ मारने की कोशिश करते थे, दौड़ा दौड़ा के। लेकिन उसने इसे इस रूप में नहीं लिया, उसने कहा कि मैं जहां भी गया लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। यदि वो ये सोचता कि कितने बेरहम लोग हैं, सभी मेरे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, मैं जहां भी जा रहा था लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरी हत्या करने की कोशिश की, पिताजी कल से मैं नहीं उड़ूंगा, यदि वो ऐसा सोचता तो ना तो वो उड़ान का आनंद ले पाता, ना जीवन का आनंद ले पाता। लेकिन एक अच्छे नजरिए के साथ कि मैं जहां भी जाऊंगा लोग ताली बजाएंगे, उसने इसे परिवर्तित कर दिया। हमारा नजरिया सचमुच हमारी खुशी या हमारे गम का कारण बन जाता है। हम इस पे जरूर कार्य करें। एक गुलाब का पौधा भी
उसकी जड़ में आप देखें तो कितनी गंदगी डाली जाती है, लेकिन उस गंदगी से भी वो खुशबू ले लेता है। कैसे भी गंदे से गंदे वातावरण में एक अगरबत्ती जला दी जाए, वो भी अपनी खुशबू फैलाता है। क्या हम वो अगरबत्ती, क्या हम वो गुलाब का पौधा नहीं बन सकते? क्या कोई ऐसा चश्मा नहीं पहन सकते जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाई दे, भला भला ही दिखाई दे? यदि हम अच्छा अच्छा देखेंगे, लोग और परिस्थितियां भी अच्छे होते चलेंगे, या कम से कम उसका बुरा प्रभाव तो मेरे मन पर नहीं पड़ेगा। इस पर भी हम जरूर विचार करें। और ऐसे सुंदर बात के साथ अब आगे की ओर चलते हैं, एक सुंदर सा स्किट लेकर। हमारे बीच दिल्ली गुरुग्राम ORC से हमारे युवा भाई बहने आ रहे हैं, और उसके पश्चात पुनः रशिया के भाई बहने एक सुंदर सा नृत्य लेकर हम सबके सम्मुख आएंगे हमारी खुशी में इजाफा करने के लिए। अभिनंदन करते हैं। तरह तरह के लोग यहाँ, हर चेहरे के पीछे एक कहानी। सुमित बेचारा फंसा है भंवर में, आओ देखें उसकी परेशानी। हेलो सर, हेलो एवरीवन। मैं हूं तुम सबका बॉस, नहीं होना चाहिए हमारी कंपनी को लॉस। हर हालत में टारगेट को पूरा करके है दिखाना, नहीं सुनूंगा कोविड या सेल्स डाउन का बहाना। मिस्टर हैरान, तुम सुनाओ कितना किया है तुमने पिछले हफ्ते काम, जरा दिखाओ तो अपनी रिपोर्ट, कितना किया है एक्सपोर्ट? सर, मैंने तो लगा दी थी अपनी पूरी जान, फिर भी हुआ इस हफ्ते कंपनी को नुकसान। सर, टारगेट देते हो आप बड़े हाई, गाड़ी हमारी चलती नहीं और आप चाहते हम करें फ्लाई। तुम तो हमेशा रहते हो हैरान, चलो छोड़ो गुमसुम, तुम बताओ तुमने कितनी बढ़ाई हमारी कंपनी की शान। गुमसुम गुमसुम, कहाँ हो गई हो गुम? यस सर, मुझे तो बहुत सारा करना है, पड़ता है काम, घर बच्चे ऑफिस संभालते संभालते हो गई हूँ परेशान। इस हफ्ते सेल्स का ग्राफ ऊपर तो जा रहा है, पर टारगेट मीट करने के लिए क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। तुम तो हमेशा काम के टाइम रहती हो गुम, तो कैसे मीट करोगी टारगेट को तुम? छुईमुई, तुम बताओ अपनी प्रोग्रेस, कितने कस्टमर को किया है इंप्रेस? सर, मुझे तो आपसे करनी है कंप्लेन। अप्रूवल के लिए कंपनी ने बना रखी है इतनी लंबी चेन। दूसरी टीम वालों से तो हूँ मैं खफा, ना करते हेल्प ना हो पाता हमको मुनाफा। अच्छा, ऐसी बात है, कहाँ है हमारे टीम लीडर मिस्टर सुमित? मिस्टर सुमित। यस सर। इन सब की तो है अपनी अपनी परेशानी, पर टीम लीडर होने के नाते तुम्हें इस टीम की बागडोर है संभालनी। चाहे कैसे भी करो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन, पर मुझे तो चाहिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यस सर। सर, इस हफ्ते कुछ चीजें रह गई हैं हमारी अधूरी, मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते तक वो सारी हो जाएं पूरी। कोशिश तो ठीक है, पर मुझे चाहिए रिजल्ट, इसलिए देता हूँ केवल एक हफ्ते की मोहलत। ओके सर। ओके सर। ओके, मीटिंग ओवर। हे भगवान, कहां फंसाऊं मैं ऐसे लोगों के साथ, ना शांति है मन में ना सुख लगता हाथ, और ऊपर से ये कड़क सिंह चलाता है ऑर्डर पे ऑर्डर। माय लाइफ इज इन कंप्लीट डिसऑर्डर। अरे भाई, आप लगते हो बड़े उदास, क्या समस्या है तुम्हारे पास? तुम्हें क्या मतलब है मेरे जीवन से? तुम भी लेना चाहते हो मेरी परेशानी के मजे? अरे नहीं भाई, मेरा भी जीवन था परेशानियों से भरा, पर अब मन में बहती है सुख शांति की धारा। अच्छा, कैसे हुआ ये बदलाव, इसका बताओ मुझे राज, ताकि मैं भी ला सकूं परिवर्तन,
सुख शांति आए मेरे पास। हाँ भाई, खुद से और जमाने से था मैं भी बड़ा परेशान, खुद से और जमाने से था मैं भी बड़ा परेशान। हालत बिगड़ गई, आर्थिक हालत बिगड़ गई जब आया कोविड का तूफान। जाल में फंसता ही जा रहा था तब मुझे मिला एक समाधान। ऑनलाइन राजयोग का मेडिटेशन सीखकर जीवन बना जन्नत समान। अब लोग वही है, समस्याएं भी वही, पर अब मैं वो नहीं। मन बना है सुमन और मिला है परमात्मा का साथ। मन बना है सुमन और मिला है परमात्मा का साथ। असीम खुशी और शांति का अनुभव अब होता है दिन रात। वाह भाई वाह, क्या ऐसा भी होता है चमत्कार? मैं भी करना चाहता हूं अनुभव, अब नहीं करना इंतजार। कैसे ले सकता हूं ये अनमोल ज्ञान, तुम ही बताओ और ले चलो मुझे उस स्थान। ठीक है भाई, मैं तुमको भेज रहा हूं ऑनलाइन कोर्स मेडिटेशन का लिंक। इससे जुड़कर डायरेक्ट जोड़ो अपने परमात्मा से लिंक। जरूर भाई जरूर, जल्दी भेजो। इतनी सी देर में मन को इतनी शांति मिली, अगर रोज करूंगा तो जरूर जीवन में आएगी खुशहाली। अब समझ गया मैं कि नहीं बदलना है दूसरों को, पर सबके साथ रहते बदलना है खुद को और अपने नजरिए को। बहुत बहुत धन्यवाद एक प्रेरक स्कीट के लिए और सुंदर नृत्य के लिए जिसने हमारे तन और मन दोनों को झुमा दिया। सचमुच आज खुशी की तो जैसे बरसात हो रही है। हरे के चेहरे पे मैं मुस्कान स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। यही मुस्कान सतत बनी रहे, आजीवन बनी रहे। यूँ तो ये कहा जाता है कि खुशी और गम जीवन के दो
पहलू हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं, कभी ये है कभी वो है, लेकिन हमारी चाहना तो यही रहती है कि हम हमेशा खुश रहें, क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही हम सबको प्रिय लगता है। आप सेल्फी भी लेते हैं या कोई फोटोग्राफर आपका फोटो खींच रहा होता है तो भी ये कहता है स्माइल प्लीज, क्योंकि चेहरे पे खुशी हमेशा ही अच्छी लगती है, औरों के गम को भी दूर कर देती। कहते हैं कि जो आंसू हैं उनका साथ तो हमारी अपनी पलकें भी नहीं देती, तो फिर जब हम गम में होंगे तो लोग हमसे दूर होते चलते हैं। इसीलिए खुश रहें और खुशियां बांटें, यही जीवन का सार है, यही सुंदर सूत्र है। लेकिन कुछ चीज़ें जिनसे हमें डिटैच होने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, डिटैच फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। हम अपने आप को कामनाओं से थोड़ा मुक्त रखें। जब हम कामनाएं रखते हैं ना कि ये व्यक्ति ऐसा करे और वो ऐसा नहीं करता, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति मेरी कामना के अनुसार तो काम नहीं कर सकता ना, राइट? क्योंकि मैं भी सबके कामनाओं के अनुसार तो काम कर ही नहीं सकता। साथ ही हम थोड़ा अपने आप को डिटैच करें अपनी डिपेंडेंसी से। कई चीज़ों में हम डिपेंडेंट हो गए हैं। देखें कौन सी चीज़ें जिन पर मैं आधारित हो गया हूँ। कोई प्रशंसा करता है तभी मेरी खुशी बढ़ती है, और कोई यदि थोड़ा सा कुछ और कह देता है मेरी खुशी चली जाती है। या फिर अच्छी मोबाइल मुझे मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए तो फिर मैं खुश होऊंगा, ये चीज़ रहती है। या कंपेयर करते हैं कि मेरी मारुति ठीक नहीं है, मेरे दोस्त के पास तो मर्सिडीज है, हम गम सदा होते चले जाते हैं। जो है उसमें हम खुश रहें, आनंदित रहें, यही तो जीवन जीने की कला है ना। और यही कला सदियों से सिखाती आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी वेदांती दीदी जी, जो कि अफ्रीकी देशों में ब्रह्मा कुमारी केंद्रों की निदेशिका हैं। ईश्वर की मस्तानी हैं आप, और सबको ईश्वर से जोड़ती रहती हैं, सबके जीवन में खुशहाली आए, यही आपका सतत प्रयास रहता है। तो अब हम आदरणीय दीदी से सुनेंगे, और पश्चात हमारे बीच हम सबको मेडिटेशन कराने के लिए, क्योंकि जिस डिटैचमेंट की मैं बात कर रहा था कि हम डिटैच हों अपने एक्सपेक्टेशन से, डिपेंडेंसी से, कंपैरिजन से, वो आता है मेडिटेशन से। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इन सब चीज़ों से डिटैच्ड होते चलते हैं। तो हमें सुंदर मेडिटेशन का अनुभव कराएंगे ब्रह्मा कुमारी छाया बहन जी, जो बाल्यकाल से ही आध्यात्म के पथ पर चल रही हैं और अब संपूर्ण रूप से समर्पित होकर ईश्वरीय सेवाएं कर रही हैं। आइए दीदियों का अभिनंदन करते हैं। ओम शांति मेरे सभी मीठे प्यारे यूथ विभाग के भाई बहनों को स्पेशल ग्रीटिंग फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट। देखो लास्ट 16 मंथ से भारत सिर्फ नहीं सारे विश्व में एक बहुत बड़ा टेस्ट पेपर हम सभी अनुभव कर रहे हैं। जो टेस्ट पेपर ने बीमारी लाया, निराशा लाया, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए और अब तक लाइफ में कभी अनुभव नहीं किया था ऐसा होने लगा। क्वारंटाइन होना है, लॉकडाउन में रहना है, कर्फ्यू हो जाएगा, ये होगा वो होगा, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बीमारी की सफरिंग, तो ये सब जो कोरोना वायरस ने सारे विश्व की आत्माओं को अनुभव कराया। अभी ये बात के कारण क्या होता है, हमारी खुशी चली जाती है और खुशी एक की गई, दूसरे की गई, तीसरे की गई, सारे परिवार में वो वातावरण फैलता है, शहर में फैलता है, देश में फैलता है, सारे विश्व में फैला हुआ है। लोगों को खुश रहना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि सभी का आपस में संस्कार टकराव होता है, एज डिफरेंस का कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत कुछ हो रहा है और इकोनॉमी भी वर्ल्ड की डाउन हो गई है, तो इनकम में भी सभी को बहुत इफेक्ट आया है, ये सब कुछ हुआ है।
ऐसे वातावरण में खुश रहना इम्पॉसिबल 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 है, लेकिन हम यूथ नौजवान एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेकर सदा खुश रहकर सबको खुश कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो खुशी लाए कहां से, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप कितने भी खुश हो चारों तरफ का वातावरण आपको डाउन करेगा करेगा और करेगा। लेकिन हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि दुनिया की कोई भी बात आवे, सिर्फ बीमारी नहीं, कोई भी बात आए, हम अपनी खुशी को छोड़ेंगे नहीं। हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि हम हैप्पी यूथ हैप्पी यूथ हैप्पी यूथ है, और सारे विश्व में खुशी की लहरें फैला सकते, इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा तो अनुभव है। मुझे याद है एक बारी एक फैमिली में एक नौजवान का खून हो गया था, उसका डेथ हो गया, सारे परिवार वाले इतने सैड थे, और वो भाई की वाइफ तो एकदम अनकॉन्शियस थे, और फ्यूनरल के समय मुझे लेक्चर के लिए बुलाया। मैंने लेक्चर में ऐसी खुशी की लहरें फैला दी जो कि जो वाइफ है ना वो कॉन्शियस में आ गई, और वो लोग भूल गए कि अभी फ्यूनरल में बॉडी को ले जाने का टाइम हो गया है। इतनी खुशी की लहर फैल गई, और बाद में उन्होंने 7 दिन का कोर्स घर में किया और सारा फैमिली ज्ञान में आ गया। तो खुशी जो है ना वो क्या है, कहां से शुरू होती है, विचारों से। हमारे विचार में खुशी शुरू होगी, वो हमारी बुद्धि को पावरफुल बनाएगी, वो हमारे दिल में बैठ जाएगी, तो कैसे भी वातावरण में हम खुश रह सकेंगे, हम खुशी के झूले में झूल सकेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा स्वभाव खुश मिजाज बनाना है। चाहे हमें 36 प्रकार के भोजन मिले, चाहे हमें एक सूखा रोटला मिल जाए, वो हम 36 प्रकार का भोजन समझकर खा ले, क्योंकि पेट में तो जो जाएगा वो डाइजेस्ट होने की बात है, वो सिलेक्ट नहीं करता है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कि क्या अंदर आया, कुछ भी डाल दो तो वो न्यूट्रल होके डाइजेस्ट करता है। उसी प्रकार से हमारा जो मन बुद्धि है ना, वो सारी दुनिया की कितनी भी बातें हैं उसको न्यूट्रल होकर डाइजेस्ट करें, और हम ये समझे ये आया है वो जाने लिए, आया है वो जाने लिए, आया है वो जाने लिए। तो हम नौजवान है, हम विश्व की आत्माओं को खुशी देने वाले हैं, खुशी की लहरें फैलाने वाले हैं। मेरे मीठे प्यारे भाई और बहनों, आप नौजवान अभी संकल्प कर लो कि हमें सारे विश्व को नौजवानी का उमंग उत्साह देना है। 60 साल का बूढ़ा हो या 80 साल का बूढ़ा हो, हमारे संकल्प में आए तो उनको एक नौजवानी का नशा चढ़ जाए। बातें तो आती है और जाती है, घड़ी चलती है, घड़ी कभी रुकती नहीं है, कोई भी पल सदा के लिए नहीं है, आया और गया आया और गया। और जब हम सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम पावर है वो उनको साथ में रखेंगे, तो वो सुप्रीम पावर जो है ना वो उम्र से बाहर है, न छोटा न बड़ा, न जवान, सबसे पार। तो हम आत्मा सदा यूथ है, न बूढ़े होते न जवान न छोटे, सब एक समान। तो आज से हम सब ऐसे नशे में रहेंगे, परमात्मा को हमारा लाइफ का कंपेनियन बनाएंगे, गॉड इज माई कंपेनियन, और मैं सदा खुश मिजाज हूं, मैं आत्मा खुशी के सागर पिता की संतान हूं, मैं आत्मा ये कलयुगी दुनिया में रहते हुए परमात्मा के संग में आने वाले स्वर्ग के नशे में
सदा खुशी की बातें करते करते जैसा संकल्प वैसी सृष्टि बन जाएगी, तो हम सब मिलकर इस विश्व को स्वर्ग बना कर ही छोड़ेंगे, खुशी की दुनिया बना कर ही छोड़ेंगे। यही उमंग उत्साह के साथ हम अपने जो भी कार्य करे, जो भी प्रोजेक्ट करे, नशा नशा और नशा। हमारा नशा खुशी का होगा तो हमारा नशा के साथ निशाना भी खुशी का होगा। हमको पास्ट की चिंता नहीं करनी है, आने वाली दुनिया की चिंता नहीं करनी है। आज जीने का सीखे, आज को हम ग्रेट बनाए, वो अभी से शुरू करे। हर एक अभी अभी करते करते सारा समय खुशी खुशी और खुशी की लहरों में जाएगा। यही मेरी आप सभी नौजवानों को गुड विशेष है। चलो अभी हम परमात्मा की याद में मस्त हो जाए। ओ खुशी के सागर परमात्मा, हम आपके बच्चे, आपकी कंपनी में दिन रात रहना चाहते हैं। आपसे खुशी का पावर प्राप्त करके विश्व के चारों ओर हमारे मनसा सेवा के द्वारा खुशी की लहर चारों तरफ फैलाना चाहते हैं। आप हमारे पिता हो, हमारे शिक्षक हो, हमारे सतगुरु हो, हमारे जीवन साथी हो, और आपके साथ से हम सारे विश्व का परिवर्तन करेंगे। आपका राइट हैंड बनकर खुशी उमंग उत्साह से आपका विश्व परिवर्तन का जो कार्य है उसमें नंबर वन मददगार रहेंगे। थैंक यू सर्वशक्तिवान पिता, आपका साथ आपकी मदद के बदले। हम यूथ है, हम हैप्पी यूथ है और सदा हैप्पी यूथ रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस सत्र में हम यूथ कैसे हैप्पी रह सकते हैं, कुछ अनुभव की बातें सुनेंगे और अनुभव भी करेंगे। कोई भी यूथ देश का शान होता है, साथ साथ मान भी होता है, क्योंकि हर यूथ में, हर चीज में सुंदरता देखने की क्षमता होती है या कला होती है। जितना हम सुंदरता को देखते हैं उतनी हमारे अंदर रचनात्मकता बढ़ती जाती है, हमारे अंदर विल पावर बढ़ती जाती है। कुछ सेकंड के लिए हम सोचिए कि फिजिकल हेल्थ मेंटेन करते हुए हम अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी मेंटेन करें। उसके लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। पहला, रेजिलियंस, कठिन से कठिन परिस्थितियों को सामना करते हम अपनी अंदरूनी शक्ति, गुण और वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे।
जब हम अपने से कनेक्टेड रहते, भले मैं शरीर से यूथ हूं लेकिन मैं आत्मा एक लाइट हूं, ऊर्जा हूं, उसमें असीम शक्ति है जो हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। दूसरा, मैं सेल्फ कंपैशनेट हूं, मैं अपने से इतना प्यार करता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं यूनिक हूं, मेरे गुण यूनिक हैं, मेरा सोच यूनिक है और मेरा हर कर्म यूनिक है, इसलिए मैं अपने से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने को बहुत कंपैशनेटली ट्रीट करता हूँ। इससे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है। मैं हर परिस्थिति को सामना करते अपने को भी बहुत सशक्त, अपने परिवार वालों को भी सशक्त, समाज और देश को भी शक्तिशाली बना सकता हूँ। जब ये तीन चीजें मेरे में हैं, तो मेरा हर कदम बहुत ही प्रेरणादायक होगा। अनेक मेरे जैसे यूथ्स को प्रेरणा देगी और इसी प्रेरणा से हम ना कि अपने परिवार समाज लेकिन देश को सशक्त बनाए आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो मेरी सुंदर और आवश्यक जिम्मेवारी है, मैं उसको रियलाइज करता हूँ और अपने से प्रॉमिस करता हूँ कि हर रोज मैं अपनी शांति और रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ मिनट के लिए इस साइलेंस का अनुभव करता हूं। मैं संकल्प उनसे पार भौतिक अचीवमेंट्स के संकल्प उनसे दूर, भौतिक साधनाओं के संकल्पों और देह के संकल्पों से दूर, मैं अपने को एक पीसफुल स्टार देखता हूँ और ये पीस शांति के वाइब्रेशंस मेरे में फैल रहा है। जब मैं शांत हूँ, मेरे सोच बहुत श्रेष्ठ और दृढ़ होंगे। इससे ही मेरे जीवन में खुशी होगी, मैं हैप्पी रह सकता हूँ और दूसरों को भी खुश रख सकता हूँ। इस साइलेंस की अनुभूति में मेरे क्रिएटिव एनर्जी को बढ़ा सकता और इसी क्रिएटिव रचनात्मकता से मैं जब हर कार्य
हर कर्म करता हूं वो मेरे देश, मेरा समाज और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए होगा। इसी संकल्पों को हम दृढ़ करते हुए हर रोज इसको रिवाइज करेंगे और अपने निज संस्कार बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका, आपने ऐसे सुंदर सूत्र हमें प्रदान किए हैं जो जीवन भर हमें खुश भी रखेंगे और सफल भी बनाते रहेंगे। साथ ही मेडिटेशन का गहन अनुभव, उसने तो जैसे हमारे अंतर को छू लिया और ऐसा लगता है कि जब हम अंतर में उतरेंगे तभी वास्तविक आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। और सत्य यही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अंदर से जो जितना प्रसन्न होता है वही बाहर प्रसन्नता दे पाता है। पहले तो हम अंदर प्रकाशित हो जाएं तो बाहर स्वतः ही प्रकाश फैलाने लगते हैं। एक टीचर थे, उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ एक गेम खेला। कहा सभी, एक एक स्लिप सबको दिया गया, कहा कि सब अपने अपने नाम उस पर लिखो, और एक बॉक्स था उसमें सभी के नाम की पर्चियां डाल दी गई। उन्होंने कहा जैसे ही मैं 1 2 3 कहूँ सभी अपने हाथ डालना और अपने अपने नाम की जो पर्ची है वो निकालना, सबके पास वो होनी चाहिए। 1 2 3 बोला, सब ने डाला और सब निकाला, खींचा तानी किया, सब फटफट गया और किसी के हाथ में उसके नाम की पर्ची आई ही नहीं। टीचर ने कहा फिर से लिखो और फिर से उसमें डालो बॉक्स में, और अब इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया, कहा कि अब बहुत शांति से हाथ डालना, एक एक स्लिप उठाना, जिसके हाथ में जिसके नाम का स्लिप आए उसको प्यार से वो स्लिप दे देना। पहली वाली स्थिति एकदम भयंकर वाली थी कि कई बहुत देर हो गया लेकिन फिर भी किसी को सफलता नहीं मिली। दूसरी बार 1 2 3 कहा, सबने शांति से हाथ डाला, स्लिप एक एक निकाला, जिसके नाम की स्लिप थी उसको वो दे दी गई। टीचर ने बहुत सुंदर सीख दी। हम जीवन में केवल अपने बारे में सोचते हैं, जब केवल अपने बारे में सोचते हैं हम खुश नहीं रह सकते। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए जीवन में औरों की मदद करो। वो किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही है ना, कि उम्र भर मैं खुशी की तलाश करता रहा लेकिन अंत में जाकर पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। तो आए खुशियां बांटें और आज जो भी हमें खुशी के संदर्भ बातें मिली हैं उन पर गहराई से विचार करें और इस खुशी को अपने जीवन का श्रृंगार बना लें, इस खुशी को औरों तक पहुंचाएं ताकि हमारा पूरा समाज, देश और समूचा विश्व खुशियों से भर जाए। अपना ख्याल रखिएगा, संध्याकालीन सत्र में पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। अगले 5 दिनों तक आपके लिए पॉजिटिव चेंज कोर्स का आयोजन किया जा रहा है, 9 से 13 अगस्त तक। समय होगा शाम 7:30 से 8:15 तक। YouTube लिंक है tiny.cc/positivechangecourse। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा फोन नंबर है 9427313773। युवा तो देश की शान, तो अपनी शक्ति को पहचान। पवित्रता, शांति, खुशी, ये हमारी शक्ति है, ये हमारे संस्कार हैं। हमारे संस्कार ही हमारा संसार बनाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज यूथ विंग लाए हैं 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस, यूथ फॉर ग्लोबल पीस।
यूथ फॉर ग्लोबल पीस 7 और 8 अगस्त सुबह 10 से 12 बजे और शाम 6 से 8 बजे अवेकनिंग टीवी चैनल पर टाटा स्काई 1084 जियो टीवी 1060 और ब्रह्मा कुमारीज यूथ विंग यूट्यूब चैनल पर। तो अपने शक्ति को पहचान।